Welcome to a new video. You are watching me on Speak English Guru. This is Raj. Guys, in this video, I am going to tell about the use of is to, are to, am to. And before that, I have already uploaded a video of first part. It's the second part of this sentences. Guys, in this video, I am going through different type of sentences as negative and interrogative. Okay, in last video, I have already told you simple sentences related to is to, am to, are to. So guys, let's go. Let's start this video. First example is here, कल मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना है, कोई काम नहीं करना है या फिर कोई काम करना है, वहाँ पर आपको is to, are to, am to का यूज़ करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर ing या फिर थर्ड फॉर्म नहीं आएगी गाइज। और जो आई है उसके साथ में am to का यूज़ होता है, और सिंगुलर के साथ में इसका इस टू का यूज होता है, पुलर के साथ में आर टू का यूज होता है। तो इस जो एग्जांपल है हमारा पहला, कल मुझे सुबह जल्दी नहीं जगना है, तो अगर नॉट आया है तो देखिए इज टू या एम टू के बीच में नॉट लग जाएगा। जैसे आई एम नॉट टू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। आई एम नॉट टू गेट अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस, मुझे आज रात इस शहर को घूमना है। आप किसी शहर में रुके हुए हैं, आप बोल रहे हैं उस समय कि मुझे ये आज रात यह शहर घूमना है, तो आई एम टू विजिट दिस सिटी टू नाइट। आज रात को बोलते हैं टू नाइट। ओके गाइज, कोई चीज़ घूमने को बोलते हैं विजिट। अगर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हैं तो डैट इज वॉकिंग। ओके नेक्स्ट, मुझे आपके साथ दो मिनट बात करनी है। कभी कभी आप किसी के साथ बात करनी होती है तो आप उससे बोलते हैं ना कि मुझे आपके साथ दो मिनट बात करनी है, तो आई एम टू टॉक विद यू ओनली टू मिनट। मुझे आपके साथ केवल दो मिनट बात करनी है गाइज। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब मुझे इस कंपनी में नौकरी नहीं करनी है, कंपनी में काम करते करते बहुत समय हो गया, वहाँ से परेशान हो गए आप, तो आप कह रहे हैं कि मुझे इस कंपनी में जॉब नहीं करनी है। आई एम नॉट टू डू जॉब इन दिस कंपनी। आई एम नॉट टू डू जॉब इन दिस कंपनी नाउ। अब नेक्स्ट है आपका, मुझे आज के बाद तुमसे बात नहीं करनी है। कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि आप अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को बोलते हैं कि मुझे आज के बाद तुमसे बात नहीं करनी है, तो आई एम नॉट टू टॉक विद यू आफ्टर टूडे या आफ्टर अ वाइल। ठीक है, आफ्टर टूडे बोल सकते हो, आफ्टर अ वाइल बोल सकते हो, आई एम नॉट टू टॉक विद यू आफ्टर अ वाइल। उसे ये सब अब नहीं करना है, मतलब जो काम कर रहे थे उसे ये सब नहीं करना है। ठीक है, अब तुम पैसे वाले हो गए, अब नहीं करना है। ऐसे कभी होता है ना कि पहले बहुत कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा दिक्कत का था, अब नहीं करना है। तो ही इज नॉट टू डू दिस ऑल, ही इज नॉट टू डू दिस ऑल नाउ, अब उसे ये सब नहीं करना है। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना है। देखो ये तो कुछ नेगेटिव और सिंपल हो गए, अब हम ले लेते हैं इंटरोगेटिव। तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना है, वाई क्यों नहीं जाना है, तो वाई आर यू नॉट टू गो देयर, तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना है। आज के बाद तुम्हें पैदल स्कूल नहीं जाना है, यानी कि कुछ बाइक वगैरह की व्यवस्था कर दी है, तो यू आर नॉट टू गो टू स्कूल ऑन फीट आफ्टर टूडे। आज के बाद आपको स्कूल पैदल नहीं जाना है, तो यू आर नॉट टू गो टू स्कूल ऑन फीट आफ्टर टूडे। ओके गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, अभी मुझे उसके साथ जिम करने जाना है। अभी आपका फ्रेंड बोला कि चल यार सिटी चलते हैं घूमने ना, मार्केट, बोला नहीं यार अभी मुझे उसके साथ जिम जाना है, उसके बाद चलेंगे ना, तो आई एम टू गो टू डू जिम करने विद हिम नाउ। अब मुझे उसके साथ जिम करने जाना है, नाउ आई एम टू गो टू डू जिम विद हिम। ओके गाइज, सेकेंड लास्ट सेंटेंस है आपका, उन्हें आने वाले रविवार को इस होटल में खाना खाना है। नहीं, उन सब ने कहा था कि भाई मुझे इस होटल में खाना खाना है और इस संडे को हम चलेंगे आपके साथ, तो आप कैसे कह रहे हैं कि दे आर टू टेक फूड इन दिस होटल या इन दिस रेस्टोरेंट ऑन कमिंग संडे। दे आर टू टेक फूड इन दिस होटल
ऑन कमिंग संडे, उन्हें इस आने वाले सभी उसे आने वाले रविवार को इस होटल में खाना खाना है। लास्ट संडे सब चलते हैं गाइज, इस सोमवार वहाँ एक मीटिंग होनी है, इस सोमवार वहाँ एक मीटिंग होनी है, वहाँ चलना है हमें भाई, है ना। तो ही इज टू बी हेल्ड अ मीटिंग, ही इज टू बी हेल्ड अ मीटिंग ऑन दिस मंडे, ही इज टू बी हेल्ड अ मीटिंग देयर ऑन दिस मंडे, इस सोमवार वहाँ एक मीटिंग होनी है। तो गाइज ये इस टू एम टू आर टू का सेकंड पार्ट था, जिसमें नेगेटिव हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे और प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे। तो और गाइज इस समय मॉडलिंग जो सीरीज चल रही है इस लगातार चलती रहेगी, आप अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं रेगुलर तो कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली ऐसा मिल रहा होगा जिससे पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। तो गाइज आपको इस तरह की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर इंपॉर्टेंट वीडियो अभी तक चैनल पर नहीं देखी तो गाइज उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। तो गाइज मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।